इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात का तीसरा मरहला भी खत्म हुआ और अभी चार मरहले यानी अभी चार फेज बाकी हैं। भाजपा देश में अपना असर खोती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ देश में फिर से हिंदू मुस्लिम और फिरका परस्त एक फिजा बनाने की कोशिश में भाजपा नजर आ रही है। तो बेगूसराय बिहार में भी इसका असर देखने में आया, जहां से गिरिराज सिंह उम्मीदवार हैं और उन्होंने फिर से एक बार अपना भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम या भारत माता की जय जय कहोगे, वरना तुम्हें तीन हाथ कब्र के लिए जगह भी न मिलेगी। इस तरह का जो है उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। इसी तरह से मालेगांव कब्रिस्तान में बम धमाका कर कई मुसलमानों को मारने के जुर्म में कैद और जमानत पर रिहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से भाजपा उम्मीदवार का टिकट देना इस बात की दलील है कि भाजपा और संघ परिवार फिर से कट्टर हिंदुत्ववाद की तरफ अक्सरियत के तबके को अपनी तरफ माइल करने की तरह से कोशिश कर रही है। लिहाजा देश की जनता समझदार है और वो फैसला कर चुकी है। अगर आप पूरे रुझान देखेंगे तो तीनों फेज तीन मरहलों में भाजपा बिल्कुल हारती नजर आ रही है और यकीन होता नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे बल्कि कोई दूसरा होगा। ये एक पूरे भारत देश के लिए और फिरका परस्त तंजीमों के लिए ये एक मातम और एक अफसोस का मकाम रहेगा कि जो भक्त लोग हैं उनके लिए भी एक अफसोस का मकाम रहेगा कि उनका कोई प्रधानमंत्री जो मोदी के नाम से लोग ये अंधभक्त जो बने हुए हैं और तरह तरह की कहानियां किससे सुना रहे हैं इनको जो है फिर से ये मौका भारत की जनता नहीं देगी। और प्रधानमंत्री और उर्फ चौकीदार भी खामोश है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस बयान पर जिन्होंने शराब के जरिए से हिम्मत करकरे को मारने की बात कही। और इस बात पर प्रधानमंत्री उर्फ चौकीदार अफसोस करने के बजाय एक अजीब सी दलील देते नजर आ रहे हैं कि क्या 1984 में फसाद नहीं हुए थे और उस वक्त जो फसाद में जिन्होंने मारा था उन्हें एमपी का टिकट नहीं दिया था या तो फिर एमपी नहीं बनाए गए थे। तो इसी तरह से इस तरह का एक देश में फिर एक फिरका वाराना फसाद का माहौल बनाने की कोशिश, इसलिए कि इनके हाथ से अब जो है ये हुकूमत जाती नजर आ रही है। तो साध्वी पर आतंकवाद का इल्जाम है, शबे कद्र के वक्त कई बम धमाकों के जरिए से कई मुस्लिम अफरादों को मौत के घाट उतारा और कई जख्मी हुए। कब्रिस्तान में ये धमाके किए गए थे। धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर वोटों की राजनीति भाजपा करना चाहती है। अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। सवाल यही उठता है कि मालेगांव धमाका अगर हिंदुत्ववादियों ने नहीं किए तो फिर किसने किए हैं? क्या अदालत के फैसले गलत हैं या पुलिस जिन्हें गिरफ्तार कर रही है वो गलत है, या फिर जिस तरह से हु किल्ड करकरे जो किताब लिखी है साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसएम मुशरिफ साहब ने, और ये कई जबानों में इस किताब को शाया किया गया था और उन्होंने इसके पीछे हिंदुत्ववादी तंजीम होने का पूरे खुलेआम उन्होंने सबूत के साथ ये बात कही है। अगर ये बात झूठी होती तो ये जो फिरका परस्त तंजीम या तो फिर कहिए भाजपा या संघ परिवार ये एसएम मुशरिफ के पीछे लगे होते, लेकिन कहीं तो कुछ सच्चाई है तभी तो ये लोग सभी लोग खामोश है। इस किताब में मुंबई हमला भी हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से खासकर अभिनव भारत की जानिब से होने का दावा एसएम मुशरिफ साहब ने किया है। और ये भी एक अहम बात इसके अंदर यानी कि वाजे कर दी है एसएम मुशरिफ साहब ने जो जिसमें हु किल्ड करकरे और करकरे को किसने मारा, इस किताब में उन्होंने इस बात की तरफ बिल्कुल वाजे तौर पर बताया है कि जो तीन लैपटॉप जो बरामद किए गए थे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित, जो कर्नल है जो फौज है जिस फौज के अंदर एक ऊंचे ओहदे पर फाइज है,
वो ऐसा शख्स जो है देशद्रोही कार्रवाई में मुलव्वस होता है और आगे चलकर इनकी रिहाई भी होती है। खैर, इस बार जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो आज नाम पूरा एक चर्चे में है हर तरफ कि ये जो है करकरे को आतंकवादी देशद्रोही, यानी कि देशद्रोही कहती है, और ये जो आतंकवादी हैं ये अपने आप को देशभक्त साबित करें और इनके पीछे भाजपा खड़ी है, बड़ी ताजुब की बात है। उन्होंने कई सवाल इसमें किए हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सभी साथी, जिसमें देश सेवा की कसम खाने वाले कर्नल पुरोहित भी देशद्रोही काम में मुलव्वस है, क्योंकि इन सभी दहशतगर्दों को भारत का संविधान बदलकर मनुस्मृति का कयाम अमल में लाना है। ये बात वाजे रहे कि इन्हें भारत के संविधान से कोई मोहब्बत नहीं। जो ये लोग आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे और बात बात पर पाकिस्तान का टिकट थमा देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये वो लोग हैं। तो ये तमाम चीजों का उन्होंने उस किताब में जिक्र किया है जो हु किल्ड कर करे ऐसे मुशरफ साहब ने। तो देश का चुनाव जिस तरह से लड़ने के लिए प्रज्ञा ठाकुर मैदान में उतरी है, तो ये बिल्कुल देश की एक बदनसीबी कही है कि आज धमाकों के जुर्म में मुलव्वस आतंकवादी के जिस पर मुकदमे जारी है और जमानत पर भारी है बाहर है, ये भी जो है इस तरह का, ये हमारे देश के अंदर एक संविधान का मजाक कही है, संविधान को पैरों तरह रोंदने की एक साजिश कोशिश कही है। तो इस तरह से, और 1984 के दंगों की दलील हमारे प्रधानमंत्री और चौकीदार देते हैं, ये उससे एक बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। खैर, अभी इंतखाबात के 4 मरहले बाकी है, भाजपा पूरी तरह से नफरत के शोले भड़काने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब बीजेपी के नेता जो चाहे बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राकेश सिन्हा ने यहाँ तक कहा कि आतंकवाद प्यार तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, इससे बढ़कर और क्या अफसोस की बात होगी। खैर, देश की जनता देख रही है और वो फैसला ले रही है, और तकरीबन जहां तक एक एग्जिट पोल कहिए या तो जो एक समीक्षा कहिए या तो एक लोगों का रुझान है कि 200 के अंदर समेटते हुए नजर आ रही है बीजेपी एनडीए, और जो है खैर आने वाला वक्त ही बताए कि कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उम्मीद यही करते हैं कि देश आने वाले दिनों में प्यार मोहब्बत अमन भाईचारे को अपना पैगाम देते हुए इस देश की संस्कृति, इस देश का संविधान को बचाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।